जिसके शरीर में गर्मी थी वो थी आत्मा। और ऐसा भी नहीं है कि अंडे के अंदर आत्मा ना हो, ऐसा भी नहीं है गर्भस्थ शिशु के अंदर आत्मा ना हो। क्या हो? जो अंडे का प्रयोग कर रहे करवा रहे हैं, जो गर्भस्थ भ्रूण हत्या कर रहे करवा रहे हैं, वो यूं कह देते हैं अभी थोड़े जीव है। ये अज्ञानियों की भाषा है। जिस दिन जीव नहीं होगा तो गर्भज मां के अंदर के जो शुक्र श्रोणित है वो बाहर फेंक जाएगा, निकल जाएगा। जीव जब तक अंदर है तभी तक गर्भ पलता है, और जीव नहीं होगा तो गर्भ का क्षय हो जाएगा। ऐसी मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसी कोई विद्या नहीं है जो जैन आगम में ना लिखी हो। इसलिए जिनका भ्रम है, जिनका भ्रम है संसार का सुख भोग करके, और मेरे मित्र एक दिन का दो दिन का गर्भपात करा दिया, वे उतने ही पापी हैं, उतने ही हिंसक हैं, उतने ही क्रूर हैं जो मेरे मित्र चाहे 21 वर्ष के जवान की हत्या करें चाहे एक दिन के गर्भपात कराएं, उनको बराबर हिंसा का पाप लगेगा। जिसके घर में किसी की मृत्यु हो जाए उसको तो सोनू मात 12 दिन का सूतक 13वें दिन शुद्धि होती है, लेकिन जिसके घर में भ्रूण हत्या हो रही हो, गर्भपात हो रहे हो, उस कुल में जीवन भर का सूतक होता है। उन्हें अपने जीवन में प्रायश्चित कर लेना चाहिए अपने गुरु के पास जाकर के, और इस कर्म का त्याग कर देना चाहिए। श्रेष्ठ लोग जन्म नहीं लेंगे तो श्रेष्ठ धर्म कैसे चलेगा? भेदभाव मिटा दो, कन्या हुई है कि पुत्र हुआ है, मित्र धर्म दोनों से चलता है। यदि पुत्र हुआ है तो महावीर बना देना, भरत बाहुली बना देना, और कन्या हो तो ब्राह्मी सुंदरी बना देना। आप टेंशन क्यों लेते हो? एकमात्र जैन श्रवण संस्कृति ऐसी है जिसने किसी नारी को पैरों की जूती नहीं कहा है। इन्होंने नारी को जो भगवान ऋषभ देव ने अपने बेटों को स्थान दिया है वही अपने बेटियों को स्थान दिया है। संपूर्ण विश्व में ब्राह्मी लिपि आपने सुनी होगी, ब्राह्मी लिपि का नाम सुना? ब्राह्मी लिपि, जो ब्राह्मी लिपि है वही ब्राह्मी लिपि है जो ऋषभ देव ने पुत्री ब्राह्मी को सिखाई थी, वो ब्राह्मी लिपि है। सबसे प्राचीन लिपि ब्राह्मी लिपि है। आपको समय कहाँ है बकलीवाल जी? आपको समय कहाँ है? रायपुर के म्यूजियम में अनेक प्रकार की लिपियों का एक चार्ट टंगा हुआ है। आप ही मुझे लेके गए थे मालूम 1998 में। वहां पर भगवान पारसनाथ स्वामी की इतनी सुंदर प्रतिमा, इतनी सुंदर प्रतिमा है रायपुर के म्यूजियम में, सिरपुर पारसनाथ, यहाँ के सिरपुर पारसनाथ की प्रतिमा है। सुब्रत सागर जैसे मैं सामने गया, मन नहीं माना, मैंने बैठ करके प्रभु को नमस्कार किया। इतनी सुंदर भगवान विराजमान है रायपुर के म्यूजियम में। और मित्र, देश की महाविभूतियां देखना हो तो हैदराबाद के म्यूजियम में, जब भी हैदराबाद जाओ वहां के म्यूजियम को जरूर देख के आना। विशाल विशाल जिन बिंब विराजमान है, देश का ऐसा कोई किनारा नहीं है जिन शासन जयवंत ना हो रहा हो। पर प्रक्षीण पुण्यम विनिश्चिति विचारणम, सूत्र याद कर लो, एक एक सूत्र भी याद करोगे घर जाके क्या बोलोगे सुनील क्या लेके आए मालूम? यदि बच्चे के घर में मामा भी आए तो बच्चे चेहरा एक बार देखते मामा का, एक बार देखते पिताजी बाहर से है ना, मेले ठेले से बाजार से, तो बच्चे पहली बार पिता का चेहरा देखते, मामा का चेहरा देखते, इसके बाद चेहरा नहीं देखते, थैला देखते। क्या हुआ, गलत बोल दिया? यदि कोई मेहमान आए अथवा पिताजी बाहर से आए तो मालूम बच्चे क्या करते हैं? पहले एक बार आ गए चेहरा देखेंगे, दूसरी बार थैला देखेंगे। बोले क्यों? चेहरा तो देख लिया, थैले में क्या लाए हैं? जब तक थैले में मिठाई न लाए, फल न लाए, पिताओं का धर्म है
मामाओं का धर्म है, मेहमानों का धर्म है। आप विश्वास मानिए, पुरानी जो परंपराएं थी बड़ी गहरी थी। अरे केले तो बाजार में बिकते हैं, बच्चे खरीद के खा सकते हैं, पेड़े भी खा सकते हैं, लेकिन जो आप लेके आते हो ना थैले में, उसमें ममता रहती है। वो बालकों को तुम केला खिला दो, पेड़ा खिला दो, आप मालूम आपने उस बच्चे के टेंशन को दूर कर दिया है, तुमने खुशी दी है, वो खुशी उसके लिए विद्या प्रदान कराएगी। 24 घंटे डांटो डांटो डांटो, तुम पिताओं के शत्रु हो। अरे डांटना जानती हो तो दुलार देना भी सीखो, और दुलार देना जानते तो थोड़ा डांटना भी सीखो। बराबर सरवार सागर जी, नहीं तो विचित्र चर्या हो जाएगी बच्चों की। ओहो हो, विचित्र वृत्ति हो जाएगी। यदि पुचकारा नहीं तो शुष्क हीन भावना में चले जाएंगे, और समझाया नहीं तो दुर्गुणों के स्वामी बन जाएंगे। संतान को पुचकारा नहीं तो हीन भावना में चले जाएंगे, शुष्क हो जाएंगे, और समझाया नहीं तो दुर्गुणों के शिखर बन जाएंगे। इसलिए मेरे मित्र, समय पर पुचकारो भी, समय पर समझाओ भी। प्रक्षीण पुण्यम विनिष्टि विचारणम, याद हो गया। जब तुम घर में जाती हो तो बाजार से तो बच्चे थैले में देखते क्या लेके आए हो, जब तुम यहां से घर जाओगे बोले प्रवचन सुन के आया हूं, तो किसी ने पूछ लिया क्या लेके आओ, तो मित्र कह देना प्रक्षीण पुण्यम विनिष्टि विचारणम। बोलो जोर से, बस इतनी ताकत है। छत्तीसगढ़ में दूध नहीं होता क्या? जोर से बोलो ज्ञानियों, प्रक्षीण पुण्यम विनिष्टि विचारणम। जिनका पुण्य क्षीण होता है उनके विचार नष्ट हो जाते हैं। सबसे पहले पुण्य की क्षीणता बुद्धि को पकड़ती है। सबसे पहले पारस भैया, बुद्धि की क्षीणता आदमी के पुण्य की क्षीणता व्यक्ति की बुद्धि को पकड़ती है। चेहरा छोटा हो जाएगा, कालापन आ जाएगा, संकुचित हो जाएगा, और क्या बोला क्या कहा, बेचारे की बुद्धि नष्ट हो चुकी, मतलब पुण्य क्षीण हो चुका है। क्या बोल रहे हो? मतलब क्या नहीं बोल रहे हैं, मेरी समझ में आ गई, तुम्हारा पुण्य नष्ट हो चुका है। जितने क्रूर लोग हैं, हिंसक लोग हैं, उनका लंबा समय नहीं है। मैं भैया ये पारस भाई से कह देना, दुराचारियों का समय 12 वर्ष, 13 वर्ष, 16 वर्ष, अधिक से अधिक 25 वर्ष, इसके बाद उन्हें नीचे गिर जाना है। जैसे नरेंद्र भैया पक्के आम का डाली पर लटकते रहना कितना समय, नरेंद्र गुरु छाया मित्र पके हुए आम का डाली पर कितने वर्ष तक लटक सकता है? कुछ तो बोल मित्र, मत घबरा, अपनी तो घर है। पका हुआ आम कितने वर्ष तक टंगा रहेगा डाली पर? हैं? आहा, कितने ज्ञानी हो आप लोग। बोले गुरुजी अल्प समय, ज्ञानी आचर्य कुंद कुंद भगवंत श्री समय साज में लिखते हैं, पक्के फलम में पड़ दे, पका हुआ फल तुरंत पतित हो जाता है। ऐसे जिनके पुण्य पक चुके हैं अब नीचे गिरने वाले हैं। इसलिए ज्ञानियों अच्छे काम करो जिसे नीचे टपक ना पाओ। विराजो सब मैं बताता हूं, प्रचिन पुण्यम याद हो गया? सोनू खड़े हो जाओ, मित्र याद हो गया? बोलो फिर क्या बोले? प्रक्षीण पुण्यम विनिष्टि विचारणम। बोलो जोर से, जितना बाकी राज्य तुझे भाई दूध पिलाया, पानी पिलाया, रसगुल्ले खिलाया, उतनी जोर से बोल। घर में कितना चिल्लाता है, जोर से बोल भाई। प्रक्षीण पुण्यम विनिष्टि विचारणम,
जब भी भैया अशुभ भाव आए, किसी दूसरे के आए, सोनू एक बात को ध्यान रखो, आपने कोई फसल उगते देखी या धान उगते छत्तीसगढ़ में? एक जवारी होते हैं, श्रावण में लोग कजलियां बोते हैं, जवारे बोते हैं, रबी याद है आपको सेठी, तो वो मटके में बो देते हैं, किसमें बोते हैं? मटके में, और ढक देते हैं, उगते तो हैं, उगने के बाद पीले पीले होकर के वहीं गोल गोल हो जाते हैं, लेकिन कभी उनमें दाने नहीं आते। सुन सोनू, ऐसे किसी व्यक्ति के बाल उगें और टेढ़े मेढ़े होकें उन सूखे सूखे हो जाएं, मित्र समझ लो इस आदमी का पुण्य छीण है, इसके साथ लंबा व्यापार मत करना, नहीं तुम भी डूब जाओगे। जिस आदमी के नाखून सूख रहे हैं, खून बचे ही नहीं है, वोट सूख गए, बस समझ लो बस इनका काम समाप्त हो चुका है, इनका पुण्य छीण है। ऐसे रवि, जिस व्यक्ति को भगवान की भक्ति का पानी सूख गया, गुरु चरणों की आस्था सूख गई, जिनवाणी सुनने का मन सूख गया, बेचारे का पुण्य छीण हो चुका है, वो टपकने वाला है, वो कौन सी भूमि में गिरेगा? रत्न प्रभाव, शर्करा प्रभाव, बालुका प्रभाव, पंख प्रभाव, धूम प्रभाव, तम प्रभाव, महातम प्रभाव, इन भूमियों में जाने का उसको अच्छा अवसर मिलेगा। मालूम है भूमियां कहां पर हैं? ये रतन प्रभा आदि ये मित्र स्वर्ग की भूमियां नहीं है, ये नरक की भूमियां है। जिन जीवों का पुण्य छीन हो गया बाबूली, उन लोगों को मित्र अच्छे भाव नहीं आएंगे। मंदिर में आएगा ना तो भगवान को देखकर के अशुभ भाव आएंगे, गुरुओं को देखेगा अशुभ भाव आएंगे। माताओं, मैं आपको स्पष्ट बोल रहा हूं, अधिक शुद्धि के विचार आने लग जाए अपनी दवाई प्रारंभ करा देना, बार बार नहाना, बार बार धोना, बार बार पानी फैलाना, 100% आप रोगी हो चुके हो मानसिक। बार बार शुद्धि, बार बार शुद्धि, टेंशन, मैंने शुद्धि की कि नहीं, मैंने शुद्धि की कि नहीं, आप शुद्धि में मत जाइए, आप अपना उपचार कराइए, उपचार कराइए। शुद्धि का काम शुद्धि है, बार बार भ्रम खड़ा करना ये भ्रम रोग है। स्नान करने का भ्रम रोग हो जाए तो रवि व्यर्थ में पानी फैलाएगा, और शंका प्रसंग का भ्रम रोग हो जाए तो समाज में टेंशन फैलाएगा, देश में, राष्ट्र में, समाज में, विश्व में। सोनू, सबसे ज्यादा बेलोग परेशान करते हैं जो बार बार शंका के घेरे में घिरे रहते हैं, न स्वयं सुखी होते हैं, न घर को सुखी रहने देते हैं। शंकाशील आदमी कभी भी सुख से नहीं रह पाएगा। मैं किसी परमात्मा को कर्ता मानू, ईश्वर को कर्ता स्वीकार करूं, इसका मतलब आस्तिक नहीं है। सात तत्व नौ पदा पंचाश का क्षेत्र हुआ, और जीव के उत्पत्ति विनाश छह को मेरे मित्र मानने के साथ ध्रुवित्व को जो मानने वाला है वही आस्तिक सम्य दृष्टि है। यदि आप अपने बच्चों को ये नहीं सिखा पाए, देवस बेटा जन्म होता है, मृत्यु होती है, जब मैं मरण करूंगा तो पुण्य जन्म लूंगा कि नहीं लूंगा, इतना सब प्रश्न का उत्तर दे दो, मैं आगे बढ़ता हूं पक्का। जब मेरी मृत्यु होगी इसके बाद जन्म होगा कि नहीं होगा, मेरा अस्तित्व बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा, बचेगा। रस्सी के जलने पर कुछ बचता है क्या? रस्सी के जलने पर, ओ बालक कलकत्ता, बेटा रस्सी के जलने पर कुछ बचता है क्या? नष्ट होगी ना रस्सी। तू ऐसे हिला रहा है, महाराष्ट्रीयन से हिला रहा है। रस्सी जलने के बाद कुछ बचता है कि नहीं बचता है? क्या बच गया? रस्सी नष्ट नहीं हुई क्या? नष्ट हो गई ना, अब तो कुछ नहीं बचेगा। तो बेटा अब तुम आज से कहना बंद करो रस्सी नष्ट हो गई, ऐसा बोलो
रस्सी नष्ट अवश्य हुई है लेकिन वस्तु नष्ट नहीं हुई है। रस्सी जली है राग में बदल गई, राख में बदल गई है। रस्सी जली है राख में बदल गई है। ऐसी महाराज जी आपकी समाधि होगी तो स्वर्ग के देवता बन जाओगे और निर्वाण हुआ तो सिद्ध भगवान बन जाओगे, लेकिन आत्मा का विनाश नहीं होगा। यदि ये सिद्धांत मस्तिष्क में युवाओं के रहा तो ये मंदिर जाएंगे, ये सिद्धांत मस्तिष्क में रहा तो धर्म करेंगे, और जिनके मस्तिष्क में भर दिया गया है मरने के बाद कुछ नहीं बचता है तो मालूम क्या कहेंगे, यावत जीवम सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागम कुतः। जब तक जियो सुख से जियो, खाने को कुछ ना मिले तो ऋण लेके घी पियो। बोले जब भस्म हो जाएंगे तो किसने देखा स्वर्ग नरक। ऐसा सिद्धांत आस्तिकों का नहीं है, ये नास्तिकवादी चारवाक का सिद्धांत है, ये जैनियों का सिद्धांत नहीं है, सांख का भी नहीं है, नैयायिक का भी नहीं है, वैशिष्ट का भी नहीं है, ये तो चारवाक का सिद्धांत है। वस्तु बस्ती की नहीं, वस्तु बस्ती की नहीं। यदि वस्तु बस्ती है तो बेटा अब संभल के चलना, स्वर्ग हुआ तो आनंद आएगा। और मनमानी करते रहो, स्वर्ग नहीं होता नरक नहीं होता, स्वर्ग नहीं होता नरक नहीं होता, करते हो बेटा गलत काम और नरक हुआ फिर क्या करोगे। बस बेटा ये कहना बंद करो कि शरीर की मृत्यु होती है, शरीर का वियोग जीव की मृत्यु है और शरीर का संयोग जीव का जन्म है, ऐसा बोलो। सुनील बराबर मित्र तुम बगल में रहते, आपको तो रोज पहुंचना चाहिए, और ये घर में थैला में कुछ लेके जाना, क्या प्रचीन पुण्यम। आज घर में बच्चे बोले, आज घर में बच्चे बोले पिताजी क्या लेके आए हो, तो मित्र घर में जाके बोल देना माताओं, आपके रिश्तेदार भी पूछें, फोन लगाते ना बहुत सारे लोग, या वहाँ की झूठी बातें करने की जगह आज तुम बोल देना, बोले अम्मा दीदी बहन मौसी सुन लो ध्यान से, प्रक्षीण पुण्यम विनस्ति विचारणम, जब तक ये जीवन चल रहा है कुछ ऐसे काम करो जिससे पुण्य बढ़े पाप घटे, मात्र यहाँ की बातों में जी करके नरक में जाना पड़ जाएगा। पूर्व में मायाचारी की थी सो यहाँ बैठे हैं, अब करेंगे तो कहाँ बैठने जाएंगे, इसलिए मायाचारी नहीं करना है, पुण्य क्षय नहीं करना है, अपन को मार्ग धर्म के जी करके भगवान बनना है।